नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज हम बात करेंगे दांतों में होने वाले पायरिया के बारे में। पायरिया दांतों का रोग है जो मसूड़ों को भी प्रभावित करता है। इस रोग से ग्रस्त होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पायरिया से बचने के लिए उसके कारण और लक्षणों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं पायरिया के कारण, लक्षण और उसके उपाय के बारे में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल पर नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पायरिया होने का कारण दांतों की ठीक से देखभाल ना करना, अनियमित ढंग से कुछ ना कुछ खाते रहने के कारण तथा भोजन को ठीक से न पचने के कारण होता है। दूसरा एक कारण है कि लीवर की खराबी के कारण रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। दूषित अम्लीय रक्त के कारण दांतों में पायरिया प्रभावित होता है। ज़्यादातर मांसाहार तथा अन्य गरिष्ठ भोजन पदार्थ का सेवन, पान, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में सेवन, नाक के बजाय मुंह से श्वास लेने का अभ्यास, भोजन को ठीक से चबाकर न खाना, अजीर्ण कब्ज प्रमुख कारणों में से एक है। पायरिया से ग्रस्त होने पर दांत ढीले होकर हिलने लगते हैं, मसूड़ों से मवाद और रक्त निकलने लगता है, दांतों पर कड़ी पपड़ियाँ जम जाती है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। उचित चिकित्सा न करने पर दांत कमजोर होकर गिरने लगते हैं। पायरिया से बचने के लिए दांतों की प्रतिदिन नियमित रूप से अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। भोजन करने के बाद मध्यमा उंगली से अच्छे मंजन द्वारा दांतों की सफाई करें। दातुन में नीम या बबूल की दातुन खूब चबाकर उसे ब्रश बनाकर दांत साफ करने चाहिए। रात को सोते समय 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण जल के साथ तथा दिन में 2 बार खाने के बाद चूर्ण का सेवन करें। इसके अलावा आप जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला कर सकते हैं। नीम का तेल मसूड़ों पर उंगली से लगाकर कुछ मिनट रहने दें, फिर पानी से दांत का साफ कर लें। फिटिकड़ी को भूनकर पीस ले, इसका मंजन पायरिया के लिए अति लाभदायक है। फिटिकड़ी का पानी कुल्ला करने से पायरिया में बहने वाला खून कम होता है। सुबह और शाम नींबू का रस निचोड़कर पिए। पालक, गाजर और गेहूं के बाजरे का रस नित्य प्रतिदिन पिए। यह अपने आप में स्वतः औषधि का कार्य करता है। सरसों के तेल में नमक मिलाकर उंगली से दांतों की इस प्रकार मले कि मसूड़ों की अच्छी तरह से मालिश हो जाए। अगर आप सारे नुस्खे आजमा चुके हैं और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसके लिए आपको एक पाउडर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए जटामासी 10 ग्राम, नीला थोथा 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, लौंग 2 ग्राम, अजवाइन 2 ग्राम, अदरक सूखी 5 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम तथा गोरू 10 ग्राम। इन वस्तुओं को समान मात्रा में महीने तक चूर्ण बनाकर रखें। इसे दिन में 3 बार उंगली से रगड़ रगड़ कर देर तक अच्छी तरह मंजन करें। यह मंजन पायरिया के लिए अद्भुत औषधि है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पायरिया के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।